focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world class businesses. Big Tech. उसके साथ में उनके अपनी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ। साधारण से दूसरी पार्टियों के आंतरिक निर्णयों के ऊपर हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जनता खुद देखती है, लेकिन इस विषय के ऊपर मैंने ट्वीट के द्वारा दो बातें परसों कही और उसको आगे मैं आज लेकर के जाना चाहता हूं। एक तो मैंने कहा कि जिस वक्त 28 नवंबर को सुशील गुप्ता जी मेरे पास में कुछ समय लेकर के अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए जब मेरे पास में आए और जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों पार्टी छोड़ना है, तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि मुझे राज्यसभा का ऑफर हुआ। और जब मैंने उनसे कहा कि ऑफर आपको राज्यसभा का हुआ है, तो ये मुझे नहीं लगता कि यह इसमें कोई सच्चाई होगी कि यह संभव, मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव भी है। तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि सर आप नहीं जानते, मेरी बात हो चुकी है, सब तय हो चुका है और मैं राज्यसभा में मैं जाऊंगा। और बहुत सारी बातें हुई, मैं उन सब डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं आप हम लोग कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी की राजनीतिक संस्कृति में विश्वास नहीं करते कि टेप कर लिया या जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है उसके बारे में चर्चा करें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 28 तारीख को जब वो रेजिग्नेशन देने आए तो कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने कहा कि भी सब बात हो गई है और मैं राज्यसभा में जा रहा हूं, ऐसा उन्होंने उस वक्त भी मुझे कहा, जिस पे मुझे विश्वास नहीं था। खैर, आम आदमी पार्टी 5 वर्ष बने हुए उनको हुआ है और उन्होंने अभी रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। प्रश्न यह उठता है कि जो कोर वैल्यूज को लेकर, जिन कोर प्रिंसिपल्स को लेकर के आम आदमी पार्टी बनी, क्या वो आज उन्हीं कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रही है? और वो कोर प्रिंसिपल्स क्या थे? कोर प्रिंसिपल्स थी ट्रांसपेरेंसी, इंटरनल डेमोक्रेसी, करप्शन फ्री पार्टी। तो क्या आज आम आदमी पार्टी उसी सोच के ऊपर चल रही है? दो कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी के बारे में मैं विशेष तौर के ऊपर आज चर्चा करना चाहता हूं। पहले मैं चर्चा करूंगा एनडी गुप्ता जो कि उनके कैंडिडेट हैं और उसके बाद सुशील गुप्ता जी के ऊपर फिर वापस आएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आज आपको यह कह दूं कि आज चौथी वर्षगांठ है लोकपाल कानून की नोटिफिकेशन की। 5 जनवरी 2014 को लोकपाल का नोटिफिकेशन हुआ था, चौथी वर्ष का है लोकपाल कानून, 4 वर्ष। लेकिन यह सरकार ने अभी तक के लोकपाल उस कानून का अभी तक के पालन नहीं किया। अन्ना हजारे जी को भी सांप सुन गया, केजरीवाल जी की भी याददाश्त कमजोर हो गई, बाबा रामदेव भी योग की दवाई देते देते शायद याददाश्त की दवाई देनी भूल गए, वो भी भूल गए। जितने भी वॉलंटियर आम आदमी पार्टी के अंदर है या आम आदमी पार्टी छोड़ करके चले गए, वो सबके सब लोग लोकपाल, उनकी स्मरण शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि लोकपाल उनकी सोच से और उनकी आदाश से बहुत नीचे चला गया। यानी कि जब इनके अपने साथी भी केजरीवाल जी को के ऊपर आरोप लगाते हैं तो वो आरोप इतने तक ही सीमित करके लगा देते हैं कि वो तानाशाह रवैया उनका है, वो ये कहने को भी तैयार नहीं होते कि लोकपाल उनके लोकपाल अब उनकी याद शक्ति से बाहर निकल गई। हमारा पहले दिन से मानना है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम और आम आदमी पार्टी बीजेपी के कहने के ऊपर काम करती है और बीजेपी की भी केंद्र सरकार एक हद तक के सिर्फ ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए, माहौल बनाने के लिए एक्शन लेती है, उसके आगे वो नहीं जाती। मैं बार बार ये कहता हूं और आज मैं फिर आपको ये प्रूव करना चाहता हूं। और ये पहली स्लाइड आप देख रहे हैं, ये पहली स्लाइड
पहली जुलाई 2017 के कार्यक्रम की है, जो कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ICAI जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट है, उन लोगों ने यहां पर इस कार्यक्रम को रखा था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और यह कार्यक्रम जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में रखा गया, इसके अंदर इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी जी को बुला करके GST के ऊपर पूर्ण सहयोग और समर्थन देने की बात ICAI ने करी। अब इसके अंदर इसको मुख्य आयोजनकर्ता कौन है, इसके मुख्य आयोजनकर्ता इसके सबसे नीचे अगर आप देखें, ये CA नवीन एनडी गुप्ता है। ये वाइस प्रेसिडेंट जरूर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपके सामने बताऊं, ये प्रेसिडेंट इलेक्ट है, यानी कि ये अगले आने वाले अभी 31 मार्च के बाद ये प्रेसिडेंट हो जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ICAI का, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। ये प्रेसिडेंट इलेक्ट है नवीन एनडी गुप्ता। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में आप जाएं, ये हमारे नवीन एनडी गुप्ता साहब हैं, जो GST के न्यू इंडिया जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उसके अंदर ये मोदी साहब के साथ में खड़े हैं। तीसरी स्लाइड है, ये तीसरी स्लाइड है, ये हमारे फिर उसी प्रोग्राम का है जिसमें नवीन एनडी गुप्ता साहब खड़े हुए हैं मोदी जी के साथ में। ये नवीन एनडी गुप्ता साहब कौन है? ये नवीन एनडी गुप्ता साहब सुपुत्र हैं एनडी गुप्ता जी के, जिनको राज्यसभा के अंदर केजरीवाल जी भेज रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं ICAI। और ये बहुत लोगों ने कहा, जब मैंने ट्विटर पे डाला तो लोगों ने कहा कि ये तो आपने उनके सुपुत्र की फोटो डाल दी, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे आपके अखबार के लोग हैं, आपके एक दो सीनियर्स ने भी मुझे ट्विटर पे कहा कि भी आपने तो उनके बेटे की तस्वीर क्यों डाल दी। तो मैंने मन में सोचा कि अभी उनके बेटे की डाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो उनकी भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये आपको मैंने इसके साथ में जो आपको मैंने भेजा है अभी बांटा है उसमें भी आप देख लीजिए। एनडी गुप्ता साहब ने 2 फरवरी 2002 को CA की बिल्डिंग का दिल्ली के अंदर ही इनॉग्रेशन करा। नीचे सबसे नीचे राइट साइड पे एनडी गुप्ता साहब हैं और अरुण जेटली साहब उस लाइन के ऊपर वहां पर आए और अरुण जेटली साहब के हाथ से इनॉग्रेशन कराया। तो जब वो खुद एनडी गुप्ता साहब, जो उनके बेटे आज हैं, जो मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, तो जब खुद एनडी गुप्ता साहब थे तो वो उन्होंने जेटली साहब को बुलाते थे, आज उनके सुपुत्र हैं वो मोदी जी को बुलाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारा इनके साथ में कोई संबंध नहीं है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, मैं आगे आपको और चीज बताता हूं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आगे, ये गुप्ता जी का बायोडाटा हमने नहीं बनाया, वेबसाइट से खुद इनके निकाला। और गुप्ता साहब के बायोडाटा के अंदर, एनडी गुप्ता जी के बायोडाटा में सबसे पहली पेज पे ही उन्होंने अपनी तारीख के अंदर ये कहा है, और मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। ये गुप्ता जी ने खुद ने लिखा है अपने बायोडाटा में कि मिस्टर एनडी गुप्ता इज अ थॉरो प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल सोशल वर्कर एंड सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर एंड अप्रिशिएटेड बाय श्री अरुण जेटली, the then Union Minister of Law, Justice and Corporate Affairs, Government of India, while delivering a speech on 2 February 2002 on Annual Day of ICAI, जो अभी मैंने आपको जिसका दिया है उसके अंदर, और क्या लिखा है? You had the distinguished leadership of Shri N.D. Gupta. I, during the course of last year and for some period before that, an opportunity to deal with his distinguished predecessor and him, and I found that the institute during this year was provided with a very mature leadership. तो पूरी की पूरी तरीके से तारीफ जेटली साहब मैच्योर लीडरशिप की करके उनकी वहां पे चले गए। और यह केवल 2002 की बात नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप जाएं, ये खुद इनके अपने बायोडाटा के अंदर इन्होंने लिखा है कि ये क्या क्या पोजीशन होल्ड करते थे। मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, IRDA मैं आपको बता दूं, ये इंडिया के सिर्फ 4 रेगुलेटर्स होते हैं, एक सेबी है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे PFRDA है प्रोविडेंट फंड्स का,
वैसे ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA एक रेगुलेटर है जो इंश्योरेंस कंपनी सारी इंश्योरेंस कंपनी को जो रेगुलेट करता है, जैसे रिजर्व बैंक को रेगुलेट करता है, वैसे IRDA जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है। उसका जो है इन्होंने बोर्ड में 2001 के अंदर ये उसके मेंबर थे। और दूसरा ये और भी इंटरेस्टिंग है, मेंबर ऑफ द नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2001। मैं आपसे अनुरोध करूंगा वापस जब जाएं या भी देख लें कि 2001 में कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर कौन थे। नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2001। 2001 में कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर अरुण जेटली साहब। अब चलिए 2001 में ये ICI के चेयरमैन थे, उस नाते हो गए। अब आप आते हैं नए अवतार में जेटली जी के, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आए, ये नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ट्रस्टीज की आज ही के सुबह वेबसाइट से उतारी गई फोटो है। और एनडी गुप्ता साहब ट्रस्टी है नेशनल पेंशन ट्रस्ट स्कीम के। और नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट क्या है, ये भारत सरकार की बॉडी है, 1,20,000 करोड़ रुपए की नेट वैल्यू वाली, 1,20,000 करोड़ की जो नेट वैल्यू वाली नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट है उसके ये ट्रस्टी हैं। और इनको अरुण जेटली साहब ने वहां पर अभी वहां पर 2014-15 के अंदर इन्होंने बिठाया है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डेट आप एग्जैक्ट देखिए, 30 मई को इनको ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया, ट्रस्टी बनाया गया। और 8 सितंबर 2015 को इनको चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी नेशनल पेंशन ट्रस्ट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, PFRDA जिसको देखती है, उसके अंदर इनको डाल करके जेटली साहब ने इनको उसका ट्रस्टी बनाया। अब मेरे प्रश्न केवल एक ही, इनके बारे में बताते हुए आम आदमी पार्टी ने कल कहा कि एनडी गुप्ता साहब इनका इनकम टैक्स का काम देख रहे थे, यही इनकी तारीफ में कहा गया। और इनकम टैक्स के नोटिसेज इनको आम आदमी पार्टी के आए हुए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही जो ईडी और जो दूसरी एजेंसीज हैं वो सतेंद्र जैन और दूसरे लोगों के ऊपर बहुत सारी चीजों को देखभाल कर रही। और अब जब राज्यसभा भेजने की बारी आती है तो ऐसे अपने आदमी को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो इनके इनकम टैक्स का काम देख रहे हैं और जिनके अरुण जेटली जी के साथ में आज के नहीं कई सालों के संबंध है, मैं कॉलेज का पुराना एलुमनाई होने की तो बात भी नहीं कर रहा, लेकिन कई साल पुराने संबंध है, खुद उन्होंने अपने बायोडेटा के अंदर जिक्र किया है। और जिनका बेटा नरेंद्र मोदी जी को बुला करके GST के अंदर पूरा समर्थन देने के लिए दुहाई दे रहा है, तो आज स्थिति आ गई है कि आम आदमी पार्टी GST के एक सपोर्टर को, BJP के सपोर्टर को आम आदमी पार्टी के नुमाइंदा बन करके राज्यसभा भेजा जा रहा है। ये इनके आपस के अंदर मिली भगत है जिसको आज मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों का, दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, ताकि असलियत किस तरीके की है वो सबको मालूम होना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अब आप लोग या कोई भी आदमी अगर ये सोच रहा हो कि सतेंद्र जैन के ऊपर या आम आदमी पार्टी में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई और आगे कार्रवाई होगी तो भूल जाए, जैसे चुंगलू कमेटी धंधे पत्ते में चली गई, हमारे जो पुराने NG नजीब जंग साहब जब लड़ते लड़ते शहीद हो गए, तो अब आप भूल जाइए कि यहां पर कोई भी कार्रवाई, कोई भी किसी भी किस्म से कोई भी आगे कार्रवाई, क्योंकि दोनों की मैच फिक्सिंग केजरीवाल जी की और मोदी जी की मैच फिक्सिंग हो गई है। और अब यह तय हो गया है जब राज्यसभा उन्होंने BJP के कहने के ऊपर और अरुण जेटली जी के इतने अभिन्न मित्र और जो उनके जिनको उन्होंने अपने समय के ऊपर अपने बोर्ड के अंदर, अपने पेंशन ट्रस्ट के अंदर जब अपॉइंट किया और ऑडिट कमेटी का चेयरमैन बना दिया, तो उसके बाद में अब कहने की कोई बात नहीं रही, दोनों के दोनों में पूरी तरीके से समझौता हो गया है, ऐसा हमारा कहना है। एक्शन लिया जाए और जन लोकपाल बिल टाइम से ना देकर के आने के ऊपर जो प्रदर्शन थे
तो ये सारे प्रदर्शन अलग अलग इन्होंने पिक्चर्स निकाल करके जो हम आपको भी मेल कर देंगे अगर आप उसको यूज करना चाहें, तो ये सारे प्रदर्शनों के अंदर सुशील गुप्ता जी बड़े खुशी खुशी अपनी सेल्फी खिंचाते हुए और अपने आप को शामिल करते हुए कल हमारे बहुत अच्छे से एक ट्विटर पे हमारे एक साथी सिद्धार्थ तंवर ने लिखा है कि 854 करोड़ की वसूली दिवस के ऊपर वसूली मांगते मांगते सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी में ही चले गए। तो वो जो है ये हमारे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने ये इकट्ठा किया। सवाल ये उठता है दोनों के लिए, केजरीवाल जी के लिए भी और सुशील जी के लिए, कि राजनीति में नैतिकता की का क्या मतलब। आप 36 दिन पहले तक एक पार्टी के खिलाफ धरने और प्रदर्शनों के अंदर हिस्सा ले रहे थे और एक पार्टी जो अपने आप को आम आदमी पार्टी कहती है, एक पार्टी जो कहती है कि हम लोग बाकियों से अलग हैं, जो कि हम नए किस्म की राजनीति करेंगे, हम पूरी राजनीति का रंग बदलने के लिए आए हैं, वो पार्टी 36 दिन के अंदर अंदर किसी एक व्यक्ति को अपनी पार्टी में लेकर के राज्यसभा की टिकट दे देती। तो क्या पूरे 5 वर्ष के अंदर आपको अपनी पार्टी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आया, या आपको अपनी पार्टी के बाहर भी अगर लेना है तो कोई आपको ऐसा नजर नहीं आया। आज डॉक्टर करण सिंह जी ने राज्यसभा के अंदर अपना विदाई भाषण कहा और ये सुशील गुप्ता जी डॉक्टर करण सिंह की जगह के ऊपर राज्यसभा में बैठेंगे। जनार्दन द्विवेदी जी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हिंदी के प्रोफेसर रिटायर हुए, उनका कई दशक का दशकों का कई उनका विश्वविद्यालय के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उनका पढ़ाने का उनका एक अनुभव और एक साख रहा। AICC में सीधे मोर जनरल सेक्रेटरी रहे। परवेज हाशमी माइनॉरिटीज की दिल्ली में आवाज से मिनिस्टर रहे दिल्ली के अंदर, 1993 के अंदर जनता दल से चुन करके 4 विधायकों में से एक चुन करके आए, इतना पुराना इतना उनका इतिहास। तो उनके रिप्लेसमेंट किस तरीके की के साथ में करी गई है कि डॉक्टर करण सिंह जैसे व्यक्ति की जगह के ऊपर सुशील गुप्ता जी जाएंगे और दूसरे लोग जाएंगे जो बीजेपी के कहने के ऊपर आम आदमी पार्टी की बात करने वाले जाएंगे। तो कहां की ये पार्टी जो अपने विद डिफरेंस कहने वाली जो पार्टी थी, जो पार्टी कैसी थी कि हम पूरा रंग राजनीति का बदल देंगे, तो कहां के लिए वो पार्टी अब किस तरीके से लोगों के सामने जाएगी यह हम लोगों को समझ नहीं आता। कि मनीष सिसोदिया सबसे पहले GST को सपोर्ट कर रहे थे, अब उन्होंने GST एक्सपर्ट को नहीं GST के सपोर्टर को राज्यसभा भेजा है जेटली जी के कहने से। यही तो मैं कह रहा हूं, मीडिएटर बनेंगे वो लगता है। बन चुके हैं, बनेंगे क्या, वो तो बन चुके हैं। जो ये उन्होंने मुझे 28 नवंबर को बोल दिया किसी को उम्मीद नहीं थी कि जीतेंगे, लेकिन ये राज्यसभा की शेयर शॉट टिकट नहीं है, ये राज्यसभा की शेयर शॉट सीट है जो कि इनको दिया गया है और 36 दिन के अंदर। तो ये चीज और ये कोई, जैसे मैंने कहा मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ये कोई मास बेस्ड लीडर नहीं है, ये माल बेस्ड लीडर है। उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का 1984 के अंदर इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी का लड़े, मोती नगर जहां से कांग्रेस आज तक कभी भी नहीं जीती है इतिहास के अंदर, वहां से भी वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ने को तैयार हो गए और लड़े वहां से। अब अगर जो है वो हरियाणा के अंदर दिल्ली में 30 साल की मैंने उनको उनकी हिस्ट्री दिखा दी, अगर उसके बाद में हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी को उनकी कोई उपयोगिता नजर आती है तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल यह लिपापोती करने की कोशिश है। कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं, वही हम जानना चाहते हैं कि क्या है जो आप छुपा रहे हैं। देखा जाए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को बने हुए 5 वर्ष हो गए, उनको अगर लेना था सीए अगर किसी को लेना था तो उनका वो क्या नाम है राघव चड्ढा, वो खराब सी है क्या, वो बेचारा जो है वो उसने पंजाब इलेक्शन के अंदर 29 साल के उस बेचारे ने उसके है केस नहीं हुई है, राघव चड्ढा केस नहीं हुई है क्या, 29 साल के हैं तो अभी बात हो जाएगा यार, कोई और ढूंढो, कोई और ढूंढो, कोई है नहीं क्या।